एक महंगा फ्लैगशिप फोन जो 2 साल पहले लॉन्च हुआ था, या फिर एक सस्ता मिड रेंज फोन जो इसी साल लॉन्च हुआ है, अगर दोनों का प्राइस सेम है तो इनमें से कौन सा एक बेटर ऑप्शन है ये चूज करना काफी मुश्किल हो जाता है, स्पेशली एक ऐसे यूजर के लिए जिसका बजट एक न्यू फ्लैगशिप फोन लेने का नहीं है। यहाँ पर इसका कोई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर तो नहीं है कि दोनों में से कौन सा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि दोनों के ही अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसे ही पॉइंट्स जिनके बेस पर आप डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा, एक पुराना फ्लैगशिप या एक नया मिड रेंज। वीडियो को पूरा देखिए और देखने के बाद इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हो सकता है मिड रेंज और फ्लैगशिप दोनों में ही लगभग सेम देखने को मिले, जैसे कि स्टोरेज, रैम और स्क्रीन साइज। इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इनके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक मिड रेंज फोन को पुराने फ्लैगशिप फोन से अलग बनाते हैं। शुरुआत करते हैं कैमरा डिपार्टमेंट से। कोई भी नया फोन अपने साथ नए फीचर्स को लेकर आता है और साथ ही इसकी इमेज प्रोसेसिंग भी किसी पुराने फोन से कहीं ज्यादा इम्प्रूव होती है। एक तरफ जहाँ न्यू मिड रेंज फोन में आपको एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा के साथ अल्ट्रा वाइड टेलीफोटो और माइक्रो कैमराज मिल जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक पुराने फ्लैगशिप फोन में आपको सिर्फ 1 या 2 ही देखने को मिलेंगे, जिनमें एक लो रेजोल्यूशन वाला मेन कैमरा होगा और सेकेंडरी कैमरा टेलीफोटो या डेप्थ सेंसर हो सकता है। ऑन पेपर अगर देखा जाए तो एक एवरेज यूजर को यही लगेगा कि कैमरा के मामले में न्यू मिड रेंज फोन्स ओल्ड फ्लैगशिप फोन से कहीं ज्यादा आगे हैं, पर यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी कमी ज्यादातर मिड रेंज फोन्स में हमेशा रहती है, जैसे कि OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, जो कि स्मूथ और स्टेबल वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए जरूरी है और शेकी हैंड्स की वजह से फोटोज को ब्लरी होने से भी बचाता है। फास्ट शटर स्पीड और इमेज प्रोसेसिंग लो रेजोल्यूशन कैमरा के एडवांटेजेस हैं। जितनी ज्यादा फास्ट शटर स्पीड और इमेज प्रोसेसिंग होगी, एक मूविंग ऑब्जेक्ट की फोटो क्लिक करने में उतना ही कम मोशन ब्लर देखने को मिलेगा। अगर बात करें वाटर और डस्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन की, तो यहाँ पर फ्लैगशिप फोन क्लियर विनर है। किसी मिड रेंज फोन में IP68 रेटिंग्स रेयर ही देखने को मिलती है, जबकि एक फ्लैगशिप फोन हमेशा IP68 या एटलीस्ट IP67 रेटिंग्स के साथ आता है। यानी अगर आपको वाटर और डस्ट के अगेंस्ट मैक्सिमम प्रोटेक्शन चाहिए तो फ्लैगशिप फोन ही सही ऑप्शन है, चाहे फिर वो 2 साल पुराना ही क्यों ना हो। परफॉर्मेंस को अफेक्ट करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर यानी फोन का प्रोसेसर। एक पुराना फ्लैगशिप फोन पुराने हाई एंड बट स्टिल पावरफुल प्रोसेसर के साथ आएगा, जो कि पुराने टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, जिसमें बेटर परफॉर्मेंस लेकिन ज्यादा पावर कंजम्पशन देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू न्यूअर वन। वहीं दूसरी तरफ एक न्यू मिड रेंज फोन न्यू बट मिडल ऑफ द लाइन प्रोसेसर के साथ आता है, जो कि नई टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, जो इसे पावर एफिशिएंट बनाती है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो हाई एंड प्रोसेसर से थोड़ा कम रहती है। इन द कोर्स ऑफ टाइम स्मार्टफोन यूजेज बढ़ती जा रही है। मोबाइल फोन्स को हम हाई ग्राफिक गेमिंग, मल्टीटास्किंग, हाई क्वालिटी मल्टी मीडिया प्लेबैक जैसी चीजों के लिए काम में ले रहे हैं, जिन्हें सीमलेसली चलाने के लिए हाई कैपेसिटी बैटरी का होना बहुत जरूरी है। पुराने फोन्स में बैटरी आज के कंपैरिजन में कम होती है, यानी एक तो बैटरी कैपेसिटी कम और ऊपर से पावर हंग्री प्रोसेसर। इसका मतलब है कि जितना अच्छा बैटरी बैकअप मिड रेंज फोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं, उतना पुराने फ्लैगशिप्स नहीं दे पाते। यहाँ पर सिर्फ बैटरी कैपेसिटी की बात नहीं है, क्योंकि टाइम के साथ साथ बैटरी डिग्रेड भी हो जाती है, इसलिए अच्छा बैटरी बैकअप नहीं मिल पाता एक पुराने फ्लैगशिप फोन में। अब जैसा कि आपको पता ही है कि कंपनीज को मिड रेंज फोन्स का जो प्राइस है वो कम रखना होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करने के लिए कंपनीज उनमें से कुछ ऐसे फीचर्स को कट कर देती हैं जिनसे स्मार्टफोन यूजेज पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि हैप्टिक्स, हाई क्वालिटी स्पीकर्स, कुछ एडवांस फीचर्स के लिए काम में लिए जाने वाले एक्स्ट्रा सेंसर्स, और इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें कॉस्ट को कम करने के लिए फोन से हटा दिया जाता है। लेकिन फ्लैगशिप के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको एक फुली फीचर पैक फोन देखने को मिलता है। फोन्स में डिस्प्ले एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू हम फोन के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं। अच्छे व्यूइंग एंगल्स और अच्छे कंट्रास्ट एंड ब्राइटनेस तो आजकल सभी फोन्स में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा प्रिसाइजली देखा जाए तो एक अच्छी पिक्सल डेंसिटी और कलर एक्यूरेसी जैसी चीजें एक फ्लैगशिप फोन में ही ज्यादा बेटर देखने को मिलती है। यहाँ पर एक चीज है जो आज से 2 साल पुराने किसी फ्लैगशिप फोन में मिसिंग रहेगी, वो है हाई रिफ्रेश रेट। हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्लेज का ट्रेंड 2018 के बाद से ही शुरू हुआ था और अब 2020 में मिड रेंज फोन्स में भी हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्लेज देखने को मिलती हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट्स के मामले में कंपनीज अपने फ्लैगशिप फोन्स पर ज्यादा ध्यान देती हैं। 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स तो इन्हें मिल ही जाते हैं। मिड रेंज फोन में ये सिर्फ 1 मेजर अपडेट तक ही लिमिटेड है। हालांकि जो फोन एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम के साथ आते हैं उन्हें 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स मिलते हैं, फिर चाहे वो फ्लैगशिप हो या फिर मिड रेंज। अगर आपके पास एक न्यू फोन है तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में किसी पुराने फोन से एटलीस्ट 1 साल तो आगे रहेगा ही। सबसे मेन बात जो एक स्मार्टफोन कस्टमर के लिए बहुत जरूरी है वो है कस्टमर सपोर्ट। अगर बजट कम होने की वजह से कोई 1 साल से ज्यादा पुराना फोन परचेज करता है जो आउट ऑफ वारंटी है, तो ये थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि फोन में कोई प्रॉब्लम आने पर कंपनी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। हाँ, अगर उस फोन को स्टोर से न्यूली परचेज किया गया है तो बात अलग है। न्यू फोन परचेज करने में 1 साल तक के लिए कस्टमर सपोर्ट तो मिलता ही है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिन्हें ध्यान में रखते हुए आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पुराने फ्लैगशिप और नए मिड रेंज फोन में से एक को चूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, शेयर विद फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अमेजिंग टेक वीडियोस, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।